और सबसे पहले बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने 2000 का नोट बंद करने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और कई सवालों के तीर केंद्र सरकार पर दागे हैं। सबसे पहले ओवैसी ने सवाल पूछा है कि आखिरकार 2000 का नोट जारी किया ही क्यों गया था। इसके साथ साथ पूछा है क्या 500 का नोट भी जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। 70 करोड़ भारतीयों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लिहाजा वो डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते, वो डिजिटल पेमेंट कैसे करें? नोटबंदी 1 और नोटबंदी 2.0 में बिल गेट्स की संस्था की क्या भूमिका है? इसके अलावा ये भी पूछा है कि क्या चीनी हैकर्स NPCI को हैक कर रहे हैं? हाँ, तो युद्ध होने पर भुगतान का क्या होगा? तो असदुद्दीन ओवैसी समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है, 2000 का नोट वापस लेने के फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। और ओवैसी ने कुछ पॉइंटेड सवाल पूछे हैं और बाकी के विपक्षी नेताओं से अलग ये सवाल हैं। आपने 2000 का नोट सबसे पहले जारी क्यों किया, ये बड़ा सवाल उठाया है। साथ ही साथ पूछा है क्या 500 रुपए का नोट भी जल्द वापस ले लिया जाएगा। 70 करोड़ भारतीय के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो डिजिटल पेमेंट कैसे करें? इसके अलावा नोटबंदी 1.0 और 2.0 में बिल गेट्स की संस्था की क्या भूमिका है? पांचवा सवाल, क्या चीनी हैकर्स NPCI को हैक कर रहे हैं? हां, तो युद्ध होने पर भुगतान का क्या होगा? इससे पहले शुक्रवार की शाम RBI की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें 2000 का नोट वापस लेने की बात कही गई है और इसके लिए लंबा समय दिया गया है। 23 मई से शुरू होगा वापसी का सिलसिला और 30 सितंबर तक लोग बैंक में जाकर के अपने नोट जमा करा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 के सभी नोट वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ये नोट साल 2016 में नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे। हालांकि 2000 के नोटों को अवैध घोषित नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक ये नोट आम चलन में रहेंगे। इसके बाद भी ये नोट प्रचलन में रहेंगे क्योंकि इस मामले में कोई साफ ऐलान नहीं किया गया है। 2000 के नोट अब बैंक की तरफ से नहीं दिया जाएगा। बैंक में 2000 के 10 नोट एक बार में जमा किए जा सकते हैं। बैंक 20,000 की रकम के दूसरे नोट बदले में देगी। RBI ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि 2018-19 के बाद से 2000 के नए नोट नहीं छापे गए हैं। यानी RBI ने 2000 के नोट को बंद करने की तैयारी काफी पहले से कर रखी थी, बस ऐलान के लिए सही वक्त और हालात का इंतजार किया जा रहा था। RBI के मुताबिक अभी बाजार में सिर्फ 11% नोट ही 2000 के हैं, यानी इस नोट का आम प्रचलन बेहद कम हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से इस फैसले को सही ठहराया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस फैसले को सही ठहराया है। वहीं कांग्रेस की ओर से निशाना साधा जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि 2000 का नोट वापस लेना सरकार का ये कबूलनामा है कि नोटबंदी गलत फैसला था। देखिए, अब सरकार की है तो बहुत कुछ सोच कर की है, अच्छा के लिए है, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए और पारदर्शिता के लिए। देखिए, अब सरकार की है तो बहुत कुछ सोच कर की है, अच्छा के लिए है, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए और पारदर्शिता के लिए। मोदी सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने माना कि उनके नोटबंदी के फैसले गलत थे, जो विपक्ष पहले ही से कह रही थी। उनके नोटबंदी के कारण हजारों लोगों की जानें चली गई, कितनों की शादी टूट गई, कितनों की मौत हो गई। इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी को, जैसे उस दिन नोटबंदी में राष्ट्र के नाम संबोधन किए थे, पुनः प्रधानमंत्री जी को आकर देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, न कि RBI से सीधे ट्वीट करके बंद कर देने की घोषणा करनी चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने 2000 की नोट वापसी को लेकर केजरीवाल की ओर से उठाए गए सवालों पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए खास बातचीत। CM अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं और 2000 के जो नोट 30 सितंबर के बाद बाजार में नहीं रहेंगे, उनको उठाते हुए मसले को प्रधानमंत्री की शिक्षा पर फिर से सवाल उठाया है उन्होंने। देखिए, 2000 के नोट से संबंधित जो जानकारी आई है उसमें अफवाह में कोई ना पड़े। आपका नोट लीगल टेंडर है, आपका नोट आपका अधिकार रखता है। ये एक तो ये सेल्फ डिपेंडेंट डिसीजन है RBI का, केंद्र सरकार से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और इस तरह की एक्सरसाइज कई बार RBI करती रहती है, उसका हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं।
देन शाम तक आपसे बात करें। एक आखिरी सवाल, आपने एक्सचेंज करा लिए नोट या आपके पास कुछ हैं 2000 के? नहीं, बिल्कुल है हमारे पास, लेकिन हमको टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास उतना ही है जितना होना चाहिए, हमारे पास अरविंद केजरीवाल टाइप का नहीं है। ये थे सांसद मनोज तिवारी, जो कि सीएम अरविंद केजरीवाल के 2000 के नोट बंद करने के ऊपर और ऑर्डिनेंस के ऊपर अपना जवाब दे रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।